बहुत हो गया नोच नोच चिन चिन। वन प्लस सिक्स इस बार जून में नहीं मई में आ रहा है, मीन्स हर साल से थोड़ा पहले। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट लीक्स और स्पेकुलेशंस आ रही है उसके अकॉर्डिंग ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि ये मन चल रहा है अप्रैल का मन चल रहा है। और जो लीक्स और वगैरह आने लगी है वन प्लस की तरफ से, ऑफिशियल लीक्स मीन्स जो वन प्लस टीज कर रहा है, और वो अपना कोई नया स्मार्टफोन करके नहीं, एग्जैक्टली वन प्लस सिक्स के नाम से टीज कर रहा है, तो बहुत ही कम समय में मीन्स एक महीने के अंदर अंदर हमें हमारा वन प्लस सिक्स मिल जाएगा। जी हाँ, और वन प्लस सिक्स का ग्लोबल लॉन्च होता है, और जैसे ही लॉन्च होगा साथ साथ ये इंडिया में भी आ जाएगा। तो वन प्लस ने एक और पिक्चर लीक करी है, वो टीज करी है एक्चुअली, तो वो पिक्चर है कुछ इस तरह से, जहाँ पर ऊपर की तरफ रखा हुआ है वन प्लस 5T और नीचे की तरफ हमें मिलता है वन प्लस 6। अब इस पिक्चर में क्या अलग है जो मैंने अभी तक किसी वीडियो में बात नहीं की है, तो जरा उस पर गौर डालते हैं। सबसे पहले इस वीडियो की हल्की सी ब्राइटनेस इंक्रीज करते हैं, और ब्राइटनेस इंक्रीज करने के बाद हमें पता चलेगा कि जो वन प्लस 6 का डिज़ाइन है और उसमें जो अलर्ट स्लाइडर है वो राइट साइड पर शिफ्ट कर दिया गया है। जी हाँ, आप वॉल्यूम रॉकर्स वन प्लस 5T के भी देख सकते हो और वन प्लस 6 के भी देख सकते हो, दोनों सेम जगह पर है, पर जो अलर्ट स्लाइडर था उसकी जगह हमें हमारी सिम ट्रे मिलने देखने को मिलती है, और इसका मतलब अलर्ट स्लाइडर राइट साइड शिफ्ट कर दिया गया है। और इस बार वन प्लस मेरे अकॉर्डिंग कलर्ड अलर्ट स्लाइडर की तरफ जाएगा, जो अलग कलर टिंट मिलेगा हमें वन प्लस 6 के अंदर। बात करें डिज़ाइन के अंदर हमें काफ़ी सिमिलैरिटी देखने को मिल रही है 5T से, जैसे कि आप देख सकते हो 5T से अपग्रेड है थोड़ा सा, और पीछे की तरफ हमें बैक ग्लास मिलेगी या थोड़ी अलग टाइप की मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी, पर मेटल बैक नहीं है, मीन्स ये चांसेस कम है कि मेटल बैक हो। थोड़े बहुत जो अभी तक के लीक्स और रेंडर्स आए थे वहाँ पर हमें ग्लास बैक या फिर टेक्सचर टाइप की बैक देखने को मिलेगी थी। हो सकता है ये बैक ऐसे हो जिसमें हम कवर्स रिप्लेस कर सकते हैं पीछे की साइड, जैसे हमें वन प्लस 2 में देखने को मिला था, वैसा कुछ डिज़ाइन हमें देखने को मिल सकता है, पर ये तो बात ऑफिशियल होने के बाद ही पता चलेगी। और कुछ बाकी लीक्स और रूमर्स जो बीच में आई थी उसके लिए आप मेरी पुरानी वीडियोस चेक करें, इसके अंदर मैंने केवल ये बताया। और एक और बात, वन प्लस 6 के कवर्स और केसेस लीक्स होकर आए हैं, और जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो, इस इमेज के अकॉर्डिंग हमें हमारे वन प्लस 6 के अंदर काफ़ी पतली चिन देखने को मिलेगी, और ये बात जानकर मुझे काफ़ी खुशी हुई अगर ये रेंडर सही होते हैं। जी हाँ, वीवो ओप्पो ने जो अपने स्मार्टफोन्स निकाले थे उसमें नोच के साथ काफ़ी अच्छी खासी चिन हमें देखने को मिली थी, पर अगर वन प्लस इस चिन्ह को श्रिंक करने में सक्सेसफुल रहता है, और मानता हूँ आईफोन 10 जितनी पॉसिबल नहीं है श्रिंक करनी, पर काफ़ी हद तक अगर श्रिंक कर देता है तो वो मेरी एक्सपेक्टेशन पे खरा उतर जाएगा, क्योंकि ओप्पो वीवो के स्मार्टफोन का डिज़ाइन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया जिसके अंदर हमें नोच और चिन दोनों देखने को मिलती है। जैसे कि मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि या तो नोच डालो या फिर चिन और फोरहेड दोनों डालो, पर सारी कंपनीज कुछ मिक्सचर टाइप ट्राई कर रही है, और वन प्लस से मुझे ये एक्सपेक्टेड नहीं था, और थोड़ा मैं अपसेट था वन प्लस 6 से। पर ये मेरी डिज़ाइन ओपिनियन है, आप अपने डिज़ाइन ओपिनियन को एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं जानना चाहूँगा कि मेजोरिटी ऑफ पीपल क्या चाहते हैं वन प्लस 6 से कि कैसा डिज़ाइन हो। बाकी बात करें चिन की, मैंने आपको बता दिया, मुझे ज़्यादा खुशी हुई जब पता चला चिन काफ़ी पतली है ओप्पो और वीवो के स्मार्टफोन के कंपैरेटिवली। और जो बेसिक स्पेक्स थे उसके लिए आप मेरी पुरानी वीडियोस चेक कर सकते हो स्पेक्स वाली, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, और यहाँ पर कार्ड भी डाल दिया, आप उसे भी चेक कर सकते हो। सो दोस्तों, ये कुछ लेटेस्ट लीक थी, मीन्स वन प्लस 6 जल्दी आ रहा है, मई तक हमें वन प्लस 6 देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ जो बाकी न्यू बात थी मैंने आज इस वीडियो में बता दी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट और शेयर करें, और लेटेस्ट टेक अपडेट्स वन प्लस 6 के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और देखते रहिए बीटेक। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।